बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर गुरुवार रात को अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें सांसद बाल बाल बच गई। बदमाशों ने सांसद की गाड़ी पर हमला पत्थरों और सरियों से किया था। घटना के दौरान सांसद की गाड़ी में उनके निजी सचिव और एक सुरक्षा कर्मी भी सवार थे। घटना से सांसद सदमे में है। वारदात के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश फैला हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। हमला क्यों किया गया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार वारदात गुरुवार देर रात करीब 12 बजे बाद की बताई जा रही है। उस समय सांसद रंजीता कोहली भरतपुर जिला मुख्यालय पर स्थित RBM अस्पताल का निरीक्षण करके वापिस अपने घर वैर लौट रही थी। इसी दौरान घरसोनी गांव के करीब आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए और उन्होंने सांसद रंजीता कोहली के चलती गाड़ी पर सरिये और पत्थरों से हमला कर दिया। हालात देखकर निजी सचिव ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गाड़ी को समीप ही स्थित घरसोनी गांव के अंदर घुसा दिया। इससे सांसद बाल बाल बच गई। सूचना के आधे घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए तो बदमाश भाग निकले। हम लोगों का एक दौरा था, तो पास विदाउन होते हुए हम लोग RBM हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के वैर का भी करना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11:30 बज रहे हुए और वहाँ मैं तो थोड़ी आँखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे गाड़ी, यानी कि मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने के एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया। और हमला के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे। इस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया गया। सूचना के आधे घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची और ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। इन्हें देख बदमाश वहां से भाग निकले। सांसद के निजी सचिव ने बताया कि घटना के तत्काल बाद पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन वह करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। बाद में सांसद को तुरंत RBM अस्पताल ले जाया गया। वहां भरतपुर शहर पुलिस उपाधीक्षक समेत अन्य अधिकारी और पुलिस जाप्ता पहुंचा। अधिकारियों ने सांसद का हालचाल जाना। बाद में घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेकर इलाके में चारों तरफ नाकेबंदी भी करवाई गई, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। सांसद फिलहाल अभी भरतपुर सर्किट हाउस में रुकी हैं।